तो बच्चों आज के लेक्चर में हम लेके आए हैं अपने पार्ट टू को ऊष्मा स्थानांतरण के आंकिक प्रश्न। पार्ट वन में हमने आपको पांच न्यूमेरिकल कराए थे, आज का ये अब पार्ट टू है। इसमें हम लोग बच्चा क्वेश्चन नंबर 6 से बात करेंगे। तो देखिए पार्ट टू का क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो बच्चा क्या है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो बच्चा क्वेश्चन नंबर 6 है, 25 सेंटीमीटर लंबी धातु की एक छड़, तो छड़ की लंबाई दी है L बराबर, बच्चा क्या दिया है 25 सेंटीमीटर। सबसे पहले इसको किस में बदल दो, मीटर में, तो बच्चा 25 गुणे 10 की घात माइनस का 2 क्या हो गया मीटर। फिर इसके बाद एक प्रश्न कह रहा है कि छड़ का एक सिरा भाप में दूसरा बर्फ में, तो एक बच्चा भाप में है यानी कि बॉइलिंग पॉइंट हम जानते हैं क्या होता है, तो थीटा वन बराबर टेम्परेचर कितना बन जाएगा 100 डिग्री सेल्सियस, और दूसरा बच्चा कहाँ है बर्फ में, तो बर्फ के लिए थीटा टू बराबर बर्फ के लिए बच्चा कहाँ हम जानते हैं कि जमता कहाँ है बच्चा बर्फ मीन्स पानी कहाँ जमता है, तो 0 डिग्री बच्चा क्या हो जाएगा थीटा टू बराबर यहाँ हमसे क्या ले लेंगे 0 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद में देखिए यदि बर्फ 12 ग्राम बर्फ प्रति मिनट यानी कि द्रव्यमान बर्फ का m बराबर कितना दिया बच्चा 12 ग्राम, क्या लाल दिया 12 ग्राम, इसको किलोग्राम में बदलो तो 12 गुणे 10 की घात माइनस 3 किलोग्राम। फिर कह रहा है 12 ग्राम प्रति मिनट यानी कि समय दे रखा है t बराबर कितना दे रखा है 1 मिनट, इसको dr किस में बना दो 1 मिनट को सेकंड में बनाओ तो 1 मिनट में बच्चा कितने सेकंड 60 सेकंड होते हैं। फिर इसके बाद में देखो गल रही हो तो धातु का ऊष्मा चालकता गुणांक ज्ञात कीजिए यानी कि ऊष्मा चालकता के हमें निकालनी है। फिर बच्चा कह रहा है कि छड़ के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 5 वर्ग सेंटीमीटर है, क्षेत्रफल ए बराबर डीएल हमें क्या दिया है 5 वर्ग सेंटीमीटर, क्या दिया है 5 वर्ग सेंटीमीटर, तो मीटर में बनाओ डीएल तो 5 गुणे क्या हो जाएगा 10 की घात माइनस 4 क्या हो जाएगा वर्ग मीटर, क्या हो जाएगा बच्चा वर्ग मीटर। अब इसके बाद में डियर फिर देखो कह रहा है तथा बर्फ की गलन की गुप्त ऊष्मा, तो बर्फ के गलन की गुप्त ऊष्मा कैपिटल एल बराबर दिया है, कैपिटल एल बराबर कितना दिया है बच्चा ये दिया 3.4 गुणे 10 की घात 5, 3.4 गुणे 10 की घात 5 जूल पर किलोग्राम, क्या बच्चा दिया है जूल पर किलोग्राम। तो ये तो हमारी की बच्चा बर्फ की गुप्त ऊष्मा। चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चा, हमें क्या निकालना है तो हमें के निकालना है। तो जैसा कि हम जानते हैं बच्चा ऊष्मा क्यू का फॉर्मूला क्यू बराबर डीआर क्या होता है, क्यू बराबर होता है के ए डेल्टा थीटा गुणे टी और बटे छड़ की लंबाई एल। और बच्चा यहां आप जानते हैं डेल्टा थीटा क्या है तापांतर यानी कि थीटा वन माइनस थीटा टू, तो बट एक बात हमें और पता है कि बट क्योंकि क्यू बराबर क्यों हमने ये क्यू बराबर बच्चा एम एल डाला क्योंकि हमें क्यू पता नहीं था बट एम और एल पता है, तो क्यू के प्लेस पर पुट करिए बच्चा तो ये क्या हो गया एम एल, एम एल बराबर क्या डीआर हो जाएगा के ए डेल्टा थीटा गुणे टी और बटे डीआर क्या रहेगा हमारा स्मॉल एल। अब ध्यान से देखो एम, तो एम कितना दिया है 12 गुणे 10 की घात माइनस 3, तो डीआर ये हो गया 12 गुणे 10 की घात माइनस का 3, और उसके बाद में L, तो कैपिटल L आप देखिए कितना दिया है डियर कैपिटल L 3.4 गुणे 10 की घात 5, 3.4 गुणे 10 की घात 5। उसके बाद में ये तो हमारा था बच्चा M और L बराबर, बराबर कितना हो जाएगा K तो हमें फाइंड करना है, वैसे नोट कर लो K, A देखो कितना दिया है क्षेत्रफल, तो A दिया है 5 गुणे 10 की घात माइनस का 4, तो 5 गुणे 10 की घात माइनस का 4 गुणे तो के ए डेल्टा थीटा, तो डीआर देखो डेल्टा थीटा बनेगा कितना, चलो हम यही निकाल देते हैं। देखो डेल्टा थीटा बराबर क्या हो जाएगा थीटा वन माइनस थीटा टू, तो 100 माइनस 100, तो बच्चा ये क्या है ये तो 100 ही रह जाएगा, तो 100 डिग्री सेल्सियस। तो डीआर यहां पर हम डेल्टा थीटा का मान क्या डाल देंगे गुणे में क्या कर देंगे गुणे में हो जाएगा 100, और उसके बाद में गुणे टी, टी हमें कितना दिया देखो 60 सेकंड, तो गुणे डीआर क्या हो गया 60 बटे में बच्चा क्या हो जाएगा बटे में हमारा चल रहा है L, L देखो हमें कितना दे रखा है 25 गुणे 10 की घात माइनस का 2, तो ये हो गया 25 गुणे 10 की घात माइनस का कितना हो जाएगा 2। अब ध्यान से देखो यहां से कुछ कैंसिल होगा, तो वो क्या कैंसिल होगा आप देखेंगे 5 इक्कन 5 और इधर से कटा 25, इधर से देखो 5 इक्कन 5 इक्कन 5 1 6 5 2 9 10, ये डीआर क्या हो गया
12, और इधर से देखो ये 12 और ये 12 लाल क्या हो गया 7। तो जो बच्चा वो लिखो, तुम्हें तो k निकालना है, तो देखो बचेगा क्या k बराबर, अब ध्यान से देखना, ये आपका बच्चा, ये इधर पहले देखो क्या बचा, इधर बचा देखो 10 की घात ये कितनी है प्लस की 5 और ये है माइनस की 3, तो 5 से माइनस का 3 गया प्लस का बचा 2, तो ये बच्चा बचा 3.4 और गुणे इधर 10 की घात क्या बच गया 2। और फिर उसके बाद में देखो ये 10 की घात माइनस 2 बच्चा किस में है, बटे में है, इस साइड जब भेज दोगे तो गुणे में हो जाएगा, तो गुणे बच्चा क्या हो गया 10 की घात माइनस का 2 और बटे इधर जो कुछ बचा ये बटे में आ जाएगा, तो बच्चा 10 की घात इधर बच्चा क्या है माइनस का है नीचे 4 और गुणे डीआर क्या है उसके बाद में, गुणे आप देखेंगे तो आपके पास है 100। तो आप देखिए बचेगा क्या, आगे से यही आप कहेंगे ये डीआर बचेगा। अब ध्यान से लाल अगर आप देखिए तो हम यूं कहेंगे, देखो ये 10 की घात कितना लिखा है, ये 10 की घात 2 है, कितना है 10 की घात 2 है, यानी कि 100 है, 100 का मतलब 10 की घात 2, और ये 10 की घात 2 ऊपर आया तो माइनस का हो गया, तो ये प्लस की 10 की घात 2 क्या हुआ कैंसिल। अब यहां से बच्चा देखो ये 10 की घात माइनस 4, ये 10 की घात माइनस 4 काहे का है, ये तो है तुम्हारा माइनस का, ऊपर आया तो काहे का हो गया प्लस का, तो प्लस की 4 से माइनस का 2 गया तो प्लस का बच्चा क्या बच्चा 2, तो यहां से ये क्या बच्चा के बराबर 3.4 गुणे 10 की घात क्या बच्चा गुणे 10 की घात प्लस का क्या डीआर बचेगा 2 जूल प्रति मीटर सेकेंड डिग्री सेल्सियस। तो क्या है बच्चा के बराबर 3.4 गुणे 10 की घात 2 जूल मीट जूल प्रति मीटर सेकेंड डिग्री सेल्सियस। तो ये बच्चा है हमारा ऊष्मा चालकता गुणांक, जो कि यही आया आंसर। तो ये था बच्चा हमारा प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर अगला है हमारा 7। तो देखिए प्रश्न नंबर 7 क्या बोल रहा है, प्रश्न नंबर 7 कह रहा है एक ही धातु की बनी समान अनुप्रस्थ काट की दो छड़े, मतलब दो छड़े हैं जो एक ही धातु की बनी है, इनके अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल बच्चा क्या है समान है, तो इनके अब समान धातु से बनी है तो बच्चा ऊष्मा चालकता गुणांक इनके क्या होंगे वो भी समान होंगे। अब कह रहा है दो छड़ों की लंबाइयां, और इन दोनों छड़ों की लंबाइयां है 0.6 मीटर तथा 0.8 मीटर, यानी कि L1 इसने बच्चा हमें दे रखा है 0.6 मीटर, तो L2 बराबर क्या दे रखा है डियर 0.8 मीटर, 0.6 मीटर 0.8 मीटर। प्रथम क्षण के सिरों के ताप, तो बच्चा प्रथम क्षण के सिरों के ताप हमें दिए हैं, तो प्रथम क्षण के सिरों के ताप θ1 और θ2 हमें दिए हैं, तो बच्चा θ1 और θ2 कितना दिया है प्रथम सिरे के लिए 90 डिग्री 60 डिग्री, तो θ1 डियर क्या है 90 डिग्री सेल्सियस और θ2 क्या है 60 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो यहां से प्रथम सिरे के लिए डेल्टा थीटा हम लोग निकाल दें, तो डेल्टा थीटा θ1 माइनस θ2, यानी कि बच्चा 90 और माइनस क्या बनेगा 60, तो 90 से 60 क्या डियर क्या बच्चा 30 डिग्री सेल्सियस, यह आया हमारा डेल्टा थीटा। फिर कह रहा है द्वितीय क्षण के सिरों के ताप, ये तो बच्चा था फर्स्ट सिरे के लिए, इसके लिए था फर्स्ट वाले, फर्स्ट सिरे का ताप था तुम्हारा, अब द्वितीय यानी कि सेकंड के लिए अगर हम देखें, सेकंड सिरे के लिए जो ताप होगा वो क्या है 150 तथा 110 डिग्री है, यानी कि थीटा वन बराबर बच्चा 150 दिया है और थीटा टू लाल कितना दिया है 110 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो यहां से डेल्टा थीटा डीआर निकालेंगे तो देखिए आप क्या बनेगा, वही 150 माइनस का 110, तो 150 से 110 दिया बच्चा ये क्या बना एक, ये बना तुम्हारा 40 डिग्री सेल्सियस, क्या बना डीआर डेल्टा थीटा बराबर 40 डिग्री सेल्सियस। तो स्टार्ट करते हैं बच्चा कि प्रथम क्षण के लिए, सबसे पहले हम किसके लिए देखेंगे प्रथम क्षण के लिए, तो प्रथम क्षण के लिए, तो बच्चा प्रथम क्षण के लिए ऊष्मा प्रवाह की दर क्या होगी, तो बच्चा देखेंगे प्रथम क्षण के लिए हमने मान लिया ऊष्मा प्रवाह की दर है H1, और जैसा कि हम जानते हैं ऊष्मा प्रवाह की दर H बराबर बच्चा फार्मूला क्या होता है KA डियर क्या KA डेल्टा थीटा अपॉन लाल क्या होता है L, K डेल्टा थीटा अपॉन L। अब डियर जैसा कि हम लोग जानते हैं क्या कि एक ही धातु की छड़े हैं तो ऊष्मा चालकता गुणांक तो बदलेंगे नहीं, तो ये तो के के ही रहेगा, क्षेत्रफल समान है तो ए ए ही रहेगा, और डेल्टा थीटा पहली वाली छड़ के लिए हम लोगों ने निकाल रखा है बच्चा कितना
30 डिग्री सेल्सियस, तो ये बच्चा क्या हो गया 30। और बटे एल, एल बच्चा अगर ध्यान से देखो तो लंबाई कितनी दी है हमको पहले वाली छड़ की 0.6, डियर कितनी दे रखी है पहली वाली छड़ की 0.6। ध्यान से देखो अगर इसका डेसिमल हटाए तो यहां से क्या होगा एक जीरो बनेगा, 6 × 6 = 30। ये बच्चा क्या आया H1 बराबर, अगर ध्यान से आप देखें तो आया 50 Ka। इसको लास्ट समीकरण एक बना दो, क्या बना दो समीकरण एक। अब हम लोग देखेंगे द्वितीय द्वितीय क्षण के लिए, द्वितीय क्षण के लिए, तो डियर द्वितीय क्षण के लिए देखो कितना बनेगा, तो द्वितीय क्षण के लिए वही पहले के लिए H1 था दूसरे के लिए H2, तो बच्चा K तो एक का ही है, क्षेत्रफल भी समान है और डेल्टा थीटा द्वितीय लिए कितना है 40 डिग्री सेल्सियस, तो ये डियर हो गया 40 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। और बटे में लाल क्या रहेगा L, तो L2 कितना दिया था भाई, बटे में क्या रहेगा L2 डियर देखो यहां से कितना दिया है, L2 हमको दिया है 0.8। डियर L2 कितना दे रखा है इसने 0.8। अब एक काम करो यहां से दशमलव हटाओ एक जीरो बढ़ाओ, तो 8 × 8 = 40, ये भी क्या बचा 50। तो बच्चा H2 बराबर भी आपको क्या मिला 50 Ka। इसको क्या बना दो बच्चा समीकरण नंबर क्या बना दो इसको 2 बना दो, डियर क्या बना दो इसको समीकरण नंबर 1। ये था समीकरण नंबर 1 और ये बन गया समीकरण नंबर 2। अब हम कहेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, तो समीकरण 1 और 2 से देखो भाई 1 और 2 आपस में बराबर है क्योंकि इधर भी 50 Ka इधर भी क्या है 50 Ka, तो जब आपस में बराबर है तो इस कंडीशन में बच्चा हम क्या कहेंगे कि H1 बराबर किसके होगा H2 के होगा, यानी कि क्षणों में ऊष्मा प्रवाह की दर बच्चा क्या होगी समान होगी, क्या होगी ऊष्मा प्रवाह दर, क्या होगी ऊष्मा प्रवाह दर बच्चा क्या होगी समान होगी, क्या होगी लाल मेरा समान होगी, क्यों होगी क्योंकि H1 बराबर किसके आया है H2 के आया है, किसके बच्चा आया है H1 बराबर H2 के। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7। अब बच्चा क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, ये देखिए क्या कह रहा है, एक ही धातु की बनी तथा समान अनुप्रस्थ काट की दो क्षणों की लंबाइयां, तो दो क्षणों की लंबाइयां दे रखा है L1 और L2। क्या दे रखा है L1 बराबर इसने दिया है 0.5 मीटर और L2 बराबर भी हमको इसमें दे रखा है 0.8 मीटर, क्या दे रखा है 0.8 मीटर, और कह रहा है एक ही धातु से बनी है, तो लाल जब एक ही धातु से बनी है तो इसके ऊष्मा चालकता गुणांक क्या होंगे, यानी कि K1 बराबर हम क्या कहेंगे K2 बराबर किसके होगा K के होगा, ठीक है। उसके बाद में देखो ये कह रहा है प्रथम क्षण के सिरों के बीच तापांतर दिया है 40 डिग्री, प्रथम क्षण यानी कि फर्स्ट वाली क्षण के लिए जो तापांतर इसने डेल्टा थीटा दे रखा है वो बच्चा क्या दे रखा है 40 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद कह रहा है दूसरी क्षण के सिरों के मध्य तापांतर की गणना कीजिए, दूसरी वाली, तो दूसरी वाली का हम तापांतर बच्चा क्या मान लेते हैं डेल्टा थीटा डैश बराबर डियर क्या करना है निकालना है, यदि दोनों क्षणों में ऊष्मा चालन दरें क्या हो समान हो, बच्चा क्या हो ऊष्मा चालन दरें समान हो, तो क्वेश्चन कह रहा है कि क्षणों में ऊष्मा चालन की दर क्या है बच्चा लिख देते हैं कि क्या लिख देते हैं कि चूंकि क्षणों में बच्चा जो है ऊष्मा चालन दर क्या है क्षणों में ऊष्मा चालन दर समान है, तो जब समान है तो हम क्या कहेंगे पहले में अगर H1 तो दूसरे में H2, तो इस कंडीशन में बच्चा H1 बराबर हम क्या कहेंगे H2 होगा, तो इस कंडीशन में हम कहेंगे कि पहली क्षण की ऊष्मा प्रवाह की दर H1 बराबर dl किसकी होगी हमने मान लिया H2 के, और जैसा कि हम जानते हैं कि ऊष्मा प्रवाह दर H बराबर होता क्या है Ka, क्या होता है dl Ka डेल्टा थीटा अपॉन L। अब पहली क्षण के लिए dl क्या हो गया L1 हो गया, ठीक है, और क्षेत्रफल और ऊष्मा चालकता गुणांक तो समान है, तो क्योंकि K1 बराबर K2 बराबर K, क्षेत्रफल समान है, और इधर से अगर लाल देखो तो दूसरी क्षण के लिए क्या बन जाएगा फिर से वही Ka, तो दूसरी क्षण के लिए हम टेम्परेचर क्या माने थे डेल्टा थीटा डैश और बटे लंबाई क्या हो जाएगी L2। अब ध्यान से देखो ये K और K क्या हुए यहां से साफ हो गए, तो बचा क्या डेल्टा थीटा, और डेल्टा थीटा हमें कितना दे रखा है इसने 40 डिग्री दे रखा है, बटे क्या है L1 डियर कितना दे रखा है 0.5 बराबर डेल्टा थीटा डैश अपने को निकालना ही है,
तो डेल्टा थीटा डैश हमें डियर निकालना ही है। और बटे एल टू, एल टू ध्यान से देखो कितना दिया है, 0.8 क्या दिया है, 8। अब एक काम करो, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो। तो देखो क्रॉस मल्टीप्लाई कराने पर बनेगा क्या, इधर से हो जाएगा 8 × 32 डियर, ये क्या हो गया 8 × 32, ठीक है 8 × 32, और दशमलव कहां चला गया, 0 में चला गया। अब बराबर डियर क्या हो गया, डेल्टा थीटा डैश गुणे क्या है 0.5, क्या है गुणे 0.5। अब यार एक काम करो, यहां से देखो हम क्या कहेंगे कि डेल्टा थीटा डैश बराबर 0.5 इधर गुणे में इधर भेजोगे बटे में हो जाएगा, तो 32 बटे हम क्या कहेंगे 0.5, दशमलव हटाओ, यहाँ डियर क्या बढ़ा दो 0। अब इधर देखो 5 × 5 = 30 और 2 × 32 = 20 हो गया, 5 × 20, तो हम क्या कहेंगे डेल्टा थीटा डैश बराबर क्या आ जाइए 64°C, ये है आपका आंसर। अब बच्चा हम लोग बात करेंगे प्रश्न नंबर 9 की, हमने कहा किसकी बात करेंगे डियर, प्रश्न नंबर 9 की। तो हम लोग देखते हैं कि प्रश्न नंबर 9 जो है हमारा वो क्या बोल रहा है। देखो प्रश्न नंबर 9 है, विभिन्न पदार्थों की दो क्षणों के अनुप्रस्थ काटों का क्षेत्रफल दिया है 1:2। तो अनुप्रस्थ काटों का क्षेत्रफल यानी कि बच्चा हमें दे रखा है A1 / A2 बराबर क्या दे रखा है 1:2, यानी कि A1 बराबर हम यहां से क्या कहेंगे 1 और कॉमा बच्चा A2 बराबर हम यहां से डियर क्या कह देंगे 2, क्या कहेंगे 2 कहेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद में देखो लाल आके कह रहा है क्वेश्चन कि पदार्थों की ऊष्मा चालकताओं का अनुपात 4:3 है, तो ऊष्मा चालकताओं का अनुपात यानी कि K1 / K2 बराबर दे रखा है इसने 4:3, इसका मतलब यहां से K1 क्या आएगा 4 और K2 बच्चा क्या आ जाएगा 3। फिर इसके बाद में देखो ये कह रहा है कि छड़ के सिरों के बीच तापांतर एक समान रखने पर, तो तापांतर एक समान है यानी कि कोई हम चेंज नहीं करेंगे। अब तापांतर एक समान रखने पर ऊष्मा चालन की दरें समान रहती है, तो ऊष्मा चालन की दरें बच्चा यानी कि ऊष्मा चालन की दर समान है, तो कह रहा है कि छड़ों की लंबाइयों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो छड़ों की लंबाइयों का अनुपात दिया यानी कि L1 / L2 हमें क्या निकालना है L2 = ? तो प्रश्न ने क्या कहा है, ताप समान रखने पर ऊष्मा चालन दरें क्या रहती है समान, क्योंकि ताप प्रश्न ने क्या कहा समान है। तो बच्चा प्रश्नानुसार चाहो ऐसे लिख दो, प्रश्नानुसार क्या, प्रश्नानुसार ऊष्मा चालन दर बच्चा क्या है, ऊष्मा चालन दर क्या है, ऊष्मा चालन दर समान है, कैसी है, क्योंकि समान ताप है तो ऊष्मा चालन दर प्रश्न क्या कहा समान। अतः बच्चा हम क्या कहेंगे कि X1 यानी कि X1 बराबर क्या होगा X2, यानी कि पहली क्षण में ऊष्मा प्रवाह दर बराबर दूसरी क्षण में ऊष्मा प्रवाह दर। अब हम जानते हैं बच्चा ऊष्मा प्रवाह दर H बराबर फार्मूला क्या होता है KA डेल्टा थीटा बटे L, तो इधर से बच्चा H1 है तो ये क्या हो जाएगा डियर L1, क्या हो जाएगा L1, और इधर से लाल ये हो जाएगा K1 और इधर क्षेत्रफल हो गया A1, और ताप तो समान ही है तो इधर से इसी प्रकार क्या हो जाएगा K2 A2 और लाल हो गया डेल्टा थीटा बटे डियर क्या हो जाएगा L2। अब ध्यान से देखो K1 हमें क्या दे रखा है इसने 4, A1 डियर फिर देखो कितना दे रखा है A1 दिया है 1, और इधर से डेल्टा थीटा उड़ गए और बटे डियर क्या बचा ये L1, ये लाल क्या हो गया L1। इधर से देखो फिर इधर क्या दिया K2, तो K2 आपको क्या दिया है 3 और गुणे A2 देखो डियर क्या दे रखा है 2 और बटे क्या चल रहा है L2। अब एक काम करो देखो ये L2 कहाँ है, चाहे जैसे लिख दो L1 L2 निकालो चाहे L2, अगर L1 निकालो तो एक काम करो 3 × 6 ये इस साइड भेजो, जो 4 × 4 और बटे ये 6 इस साइड हमने भेज दिए 4/6 बराबर L1 इस साइड भेजो, तो बच्चा ये क्या हो गया L1 बटा क्या डियर हो गया L2। अब ध्यान से देखो इसको मारे तो 2 × 4 = 2 × 3 = 6, तो हम क्या कहेंगे डियर ये आया L1 अनुपात कितना हो जाएगा L2 बराबर बच्चा क्या आया 2:3, यानी कि क्षणों की लंबाइयों का अनुपात 2:3 होगा। अब बच्चा हम लोग बात करेंगे प्रश्न नंबर 10 की, तो देखो ये प्रश्न नंबर 10 क्या बोल रहा है, प्रश्न नंबर 10 बोल रहा है विभिन्न धातुओं के ठीक एक ही आकार व नाप के दो बर्तन, तो दो बर्तन है एक ही जिनकी नाप है और एक ही आकार है,
इसका मतलब दोनों का क्षेत्रफल क्या समान होगा, यहीं से पता चल गया ए वन बराबर ए टू बराबर बच्चा क्या होगा ए। फिर कह रहा है दोनों बर्तनों में समान द्रव्यमान का उबलता जल है, और दोनों बर्तनों में समान द्रव्यमान का उबलता हुआ जल है, ठीक है बच्चा, तथा दोनों बर्तन एक ही हीटर पर रखे हैं, और दोनों दोनों एक ही हीटर पर रखे हैं। यदि बर्तनों की धातुओं की ऊष्मा चालकता है बच्चा हमें दी है 5×10^-2, तो ऊष्मा चालकता गुणांक डीएल क्या होता है के, यानी कि के वन बराबर हमें क्या दे रखा है 5×10^-2 किलो कैलोरी प्रति सेकंड मीटर डिग्री सेल्सियस। और के टू बच्चा हमें इसमें दे रखा है, देखिए के टू दे रखा है 3×10^-2 क्या जलाल 3×10^-2 वही क्या किलो कैलोरी प्रति सेकंड मीटर डिग्री सेल्सियस। फिर उसके बाद में डियर आप देखिए ये कह रहा है कि तो बर्तन में भरे जल को भाप में परिवर्तित करने में लगे समयों की अनुपात की गणना करो। तो समयों का अनुपात यानी कि ये कह रहा है कि T1 अनुपात बच्चा क्या निकालो T2 बराबर हमें निकालो, तो समयों के अनुपात की गणना करो। तो बच्चा ऐसा मान लो, क्या मान लो कि मान लो दोनों बर्तनों में रखे द्रव्यमान को भाप में परिवर्तित करने के लिए, ऐसा मान लो कि माना दोनों बर्तनों के जल को भाप में बदलने के लिए समय T1 व T2 लगता है। समय बच्चा हमने कहा क्या कहा लगता है T1 व T2 लगता है। तब अब प्रश्नानुसार देखें अगर हम तब अच्छा ये प्रश्नानुसार देखो यहां से क्या बन जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं Q बराबर अब कितनी है दो छड़े हैं दो बर्तन है कितने हैं बच्चा दो बर्तन है, तो Q बराबर हम क्या कहेंगे ML क्या बच्चा कहेंगे ML L क्या है M द्रव्यमान L गुप्त ऊष्मा बराबर हम सीधे क्या कह देंगे TA हो जाएगा KA डेल्टा थीटा गुणे T क्या रहेगा गुणे T बटे क्या बच्चा रहेगा L, क्योंकि हम ऊष्मा का फार्मूला ले रहे हैं प्रवाह दर नहीं ले रहे, पर वैसे Q/TH बन जाता है तो T भी रहेगा। अब बराबर बच्चा इधर से फिर वही क्या हो जाएगा KA डेल्टा थीटा T बटे L। और आप ध्यान रखना हमने दोनों बर्तनों के लिए लिया है, पहले के लिए दूसरे, तो पहले बर्तन के लिए बच्चा टेम्परेचर T1 हो गया, क्या डियर हो गया टेम्परेचर T1, तो इधर से ऊष्मा चालकता गुणांक क्या हो गया K1 हो गया। उसके बाद में डियर दूसरे के लिए T2, और इधर से डियर ये क्या हो जाएगा K2 हो जाएगा। और तुमने देखा था अभी हमने शुरुआत में प्रश्न के बताया था क्षेत्रफल समान है तो ए को छेड़ो नहीं, टेम्परेचर क्या है एक जैसे तो ये तो सब एक जैसे, तो डेल्टा थीटा एल बच्चा ये सब क्या हुआ कट गया। तो ध्यान से देखो डियर यहाँ बच्चा क्या, फिर बच्चा हम कहेंगे K1 T1 बराबर लाल क्या बचेगा K2 T2। अब यहां से K1 देखो दिया कितना है 5×10^-2 5×10^-2 × T1 बराबर K2 कितना है 3×10^-2 डियर क्या हो गया T2। अब ध्यान से देखो -2 और -2 इधर खाते क्या होगी कट गई, ठीक है। अब T2 इधर भेजो तो ये क्या हो जाएगा T1 बटे डीएल क्या हो जाएगा T2 बराबर, अब ये 3 है इधर और 5 ये इस साइड भेजो तो बटे में डीएल क्या हो गया 5। तो हम यहां से क्या कहेंगे कि T1 अनुपात T2 बराबर 3:5 ये, तो बच्चा समयों का अनुपात क्या होगा 3:5 होगा। अब बच्चा हम लोग बात करेंगे प्रश्न नंबर 11 की। देखो प्रश्न नंबर 11 कह क्या रहा है, समान लंबाई तथा समान परिच्छेद की दो छड़े श्रेणी क्रम में जुड़ी हैं। ये कह रहा है दो छड़े हैं जो कि किसमें जुड़ी है श्रेणी क्रम में जुड़ी है, और इन दोनों छड़ों की लंबाइयां क्या है दोनों की L है, यानी कि लंबाई क्या है समान, और दोनों के क्षेत्रफल भी समान है तो दोनों क्षेत्रफल एक। फिर कह रहा है इनके ऊष्मा चालकता गुणांकों या ऊष्मा चालकताओं का अनुपात 2:3 है,
तो अगर हमने कहा इस पहली वाली क्षण का क्या है K1, तो दूसरे का बच्चा K2, तो K1 अनुपात K2 आपको दिया है, कितना दिया है 2:3, तो K1 अगर 2 होगा तो K2 दिया क्या होगा 3 होगा। फिर कह रहा है कि इनके खुले सिरों के ताप, इनके खुले सिरों के ताप तुम्हें दिए हैं, वो बच्चा कितना हमने कहा पहले ही कहा है θ1 बराबर कितना 100, और इधर खुले दूसरे खुले सिरे का ताप θ2 हमने क्या मान लिया बच्चा 0°C, ठीक है 0°। और कह रहा है संपर्क तल का, तो इन दोनों का संपर्क तल का ये वाला, तो संपर्क तल का ताप कह रहा है थीटा बराबर क्या कह रहा है बच्चा ज्ञात करो, थीटा बराबर ज्ञात करो। प्रश्न हम देखो एक बार पढ़े दे रहे हैं, क्या कह रहा है समान लंबाई समान परिच्छेद की दो छड़ें श्रेणी क्रम में जोड़ी गई हैं, इनके पदार्थों की ऊष्मा चालकताओं का अनुपात 2:3 है, यह स्थिर अवस्था में आने पर इनके खुले सिरों के ताप 100°C तथा 20°C है, 100°C तथा 20°, बच्चा जीरो नहीं कितना है 20°C दिया है, तो इसको क्या कर दो यहाँ पर 20°C, 100°C तथा 20°C है, तो संधि के ताप की गणना कीजिए, संधि के ताप की हमें क्या करना है बच्चा गणना करना है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं संधि का ताप। अब यहाँ पर देखो छड़ें किसमें है श्रेणी क्रम में जुड़ी है, इसलिए ऊष्मा प्रवाह की दर क्या होगी समान, तो हम चाहो यहाँ लिख सकते हैं क्या कि छड़े बच्चा किसमें है श्रेणी क्रम में है, क्या है श्रेणी क्रम में जुड़ी है, श्रेणी क्रम में है, अतः ऊष्मा प्रवाह दर क्या होगी बच्चा समान होगी, क्या होगी समान होगी, तो इस कंडीशन में हम क्या कहेंगे कि H1 बराबर क्या होगा H2, यानी कि प्रथम क्षण के लिए ऊष्मा प्रवाह दर हमने H1 मानी, दूसरे के लिए H2, तो H1 बराबर H2। अब जैसा कि हम जानते हैं ऊष्मा प्रवाह दर क्या होता है H बराबर बच्चा KA, क्या होता है KA और डेल्टा थीटा बटे L। अब भाई अगर ध्यान से देखो तो पहली वाली क्षण का क्या है ऊष्मा चालकता गुणांक K1, अब दोनों के क्षेत्रफल तो समान है तो छेड़ेंगे नहीं, दोनों की लंबाइयां समान है तो एल एल ए भाई रखना, अब डेल्टा थीटा, तो डेल्टा थीटा भैया पहले के लिए क्या बनेगा θ1 माइनस क्या बनेगा थीटा, तो बच्चा ये θ1 माइनस डीएल क्या बना थीटा बराबर, ऐसे देखो दूसरी क्षण के लिए क्या यहां से बन जाएगा ऊष्मा चालकता गुणांक K2, लेकिन ए और एल से कोई छेड़खानी करना नहीं है, और डेल्टा थीटा बच्चा दूसरी क्षण के लिए थीटा माइनस क्या बनेगा θ2, थीटा माइनस डीएल क्या बन गया यहां से θ2। अब देखेंगे K1 हमें कितना दिया है, अब ध्यान से देखो AL क्या हुई है कैंसर, K1 हमें दिया है बच्चा 2, तो K1 की जगह 2, फिर θ1 माइनस थीटा, तो θ1 कितना है 100 माइनस क्या हो जाएगा 100 माइनस थीटा बराबर डीएल K2, अगर ध्यान से देखो K2 कितना दिया है 3, थीटा माइनस थीटा 2, तो थीटा और माइनस का थीटा 2 बच्चा कितना दिया है आपको 20, कितना दिया है थीटा 2 20। अब एक काम करिए, काम ये बच्चा करना है देखो इसको गुणा करा देंगे तो 100 × 200 ये क्या हो गया 100 × 200 माइनस का 2 थीटा बराबर इधर देखो 3 × 3 θ, ये डीएल हो गया 3 θ और 3 × 6 क्या हो जाएगा 3 × 6 यानी कि 60 माइनस का बच्चा क्या हो गया 60°C। अब यहां पर डीएल देखना, ये माइनस का 2 θ इधर भेज दिए तो 3 × 2 क्या हो गया 5 θ और माइनस का 60 जो है इधर ले आए तो क्या हो गया 260°C। अब अच्छा देखो इसको काटिए तो 5 × 5 = 25 5 × 10 थीटा बराबर डीएल क्या आ जाएगा 52°C। ये है हमारा संपर्क तल का ताप, यानी कि ये क्या आया 52°C, क्या आया डीएल 52°C। ये था हमारा प्रश्न नंबर 11। अब अगला प्रश्न नंबर है हमारा 12, क्या है 12, देखो 12 क्या कह रहा है, एक दीवार शीशे व लोहे की समान मोटाई की दो परतों से बनी है, एक दीवार शीशे व लोहे की समान मोटाई की दो परतों से बनी है, तो मान लो हमने कहा कि कोई दो परतें हैं जो कि समान मोटाई की बनी हुई हैं। अब बच्चा क्या कह रहा है, लोहे की समान मोटाई की दो परतों से बनी, इनकी ऊष्मा चालकताएं K और 2K हैं, तो हमने माना बच्चा पहले की ऊष्मा चालकता K और प्रश्न के अनुसार दूसरे की है 2K, ठीक है पहले की K दूसरे की बच्चा
टू के हैं। अब कहना है दोनों परतों के बाहरी तलों के ताप 100 डिग्री सेल्सियस व जीरो है। तो हमने माना पहली वाले जो सिरे का ताप है, हमने कहा वो थीटा वन बराबर बच्चा हमें क्या दिया है 100 डिग्री सेल्सियस, और दूसरे तल का ताप थीटा टू बराबर डीआर कितना है 0 डिग्री सेल्सियस। फिर कह रहा है तथा तीसरे वाली परत गर्म सिरे की ओर है। सीता कहाँ है बच्चा? गर्म सिरे। तो गर्म 100 डिग्री है, तो इधर इस साइड में बच्चा क्या होगा सीते की परत। फिर कह रहा है गर्म साइड की ओर तथा, तो जाहिर सी बात है जब सीसा गर्म सिरे की ओर है तो और कौन था? लोहा था। तो लोहा कहाँ होगा? इस साइड बच्चा होगा। कहाँ होगा? इस साइड कौन होगा? लोहा होगा। अब प्रश्न देखो क्या कह रहा है कि तल का ताप स्थायी अवस्था में ज्ञात कीजिए। तल का ताप स्थायी अवस्था में ज्ञात कीजिए, यानी कि बच्चा हमें ये थीटा निकालना है। ठीक है, थीटा हमें निकालना है। तो स्थायी अवस्था में बच्चा ऊष्मा प्रवाह की दर क्या होगी? समान। तो हम क्या कहेंगे स्थायी, प्रश्नानुसार स्थायी अवस्था में क्या कहेंगे? स्थायी अवस्था में ऊष्मा प्रवाह दर डीआर क्या होगी? ऊष्मा प्रवाह दर लाल क्या होगी? समान होगी। ऊष्मा प्रवाह दर क्या होगी? समान होगी। तो जब ऊष्मा प्रवाह दर यार समान होगी तो हम क्या कहेंगे कि एच वन बराबर किसके होगा? एच टू के। एच वन बराबर डीआर किसके हो जाएगा? यहां से एच टू के हो जाएगा। तो जैसा कि हम जानते हैं कि ऊष्मा प्रवाह दर एच बराबर क्या होता है? के ए। क्या होता है? के ए डेल्टा थीटा बटे डीआर क्या होता है? एल होता है। क्या होता है? एल। तो अब एच वन बराबर एच टू है, तो पहले वाले के लिए देखो ऊष्मा चालकता है क्या तुमको दी? के है। क्या है? के। और समान प्रश्न के अनुसार फिर से एक बार पढ़ देते हैं प्रश्न। देखो कहे क्या रहा था कि एक दीवार शीशे व लोहे की समान मोटाई, यानी कि बच्चा इनका एल क्या है दोनों का? समान। तो देखो एल भी हमें इनका छेड़ना नहीं है, और उसके बाद में समान मोटाई जो क्षेत्रफल वगैरह हमें कुछ भी छेड़ना नहीं है, तो ए भी वैसे रहेगा एल भी। और डेल्टा थीटा अगर यहां से यहां तक देखें तो थीटा वन माइनस बच्चा क्या बनेगा? थीटा। तो ये क्या बन गया? थीटा वन माइनस डी आर क्या हो गया? थीटा। और बराबर अब ऐसे दूसरे के लिए देखो तो ऊष्मा चालकता गुणांक बच्चा यहाँ पहले के लिए के था, दूसरे के लिए टू के, तो क्या हो गया? टू के। और इधर टेम्परेचर थीटा से थीटा टू, तो थीटा माइनस बच्चा मेरा क्या बन जाएगा? थीटा टू। और बटे लेंथ एल ही रहेगा। एल एल यहाँ से क्या हुआ? मर गया। और ए हमने छोड़ दिया, ए भी बढ़ाओ। ए और के, और ए और के क्या हुआ? मर गया। अब जो कुछ बचा यार लिख लो। तो बचा क्या? थीटा वन। थीटा वन देखो है कितना? सौ। तो सौ माइनस थीटा, थीटा ही है बराबर इधर से बच्चा दो, और थीटा माइनस थीटा टू लाल कितना है? जीरो है। क्या है? जीरो। अब डीआर देखना, ये रहेगा तुम्हारा सौ माइनस थीटा, ऐसे ही रहेगा। इधर से दो एक टाइम दो थीटा, और दो जीरो जीरो तो बेकार हो गया। ठीक है, अब बच्चा हम क्या कहेंगे? देखो माइनस के थीटा इस साइड आएगा तो क्या है हो जाएगा? प्लस का। तो दो एक बच्चा क्या हो गया? तीन थीटा बराबर डीआर क्या हो जाएगा? सौ। तो यहां से थीटा बराबर हम क्या कहेंगे? सौ बटा तीन। तो इधर से तीन तिया नौ, तीन तिया नौ, तीन तिया नौ, तीन तिया नौ। तो बच्चा हम कहेंगे कि थीटा बराबर क्या आया? 33.33 डिग्री सेल्सियस। ये है हमारा तल का ताप थीटा बराबर 33.33 डिग्री सेल्सियस। ये था हमारा प्रश्न नंबर 12, और ये रहा बच्चा इसका आंसर।